The most loved song, which is Chaiya Chaiya. चल चाइया 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 चल चाइया चाइया चाइया. मुझे याद है कि मैं पहली बार आपको इस गाने के लिए मिली थी. This was for the film Kameene. अरे तिल तिल तारा मेरा तिल ही का तेल, घोड़ी घोड़ी पैसा पैसा पैसे ही का खेल. चल चल अरे चल 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 सड़कों पे होगी ढैंग ढैंग. सुनते हैं बीड़ी जलाई. अरे बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर वहां बड़ी आग 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 है. दोस्तों मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे. सुखविंदर जी, शुरुआत से मैं शुरू करना चाहूंगी, स्पेशली विद अ ट्रैक दैट इज सो क्लोज टू यू. मतलब जब भी हम आपकी बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट छैया छैया. एंड आई डोंट थिंक हम में से जितने भी लोग देख रहे हैं वो कभी थकेंगे इस गाने से. और आई डेफिनेटली वॉन्ट यू टू टेल अस कि क्या यादें जुड़ी हैं आपकी इस गाने के साथ. ये गाना जो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था वो है थैया थैया. अच्छा. जहाँ से ये इजाद हुआ, हुँ. बाबा फरीद और पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का जो कलाम जो मैंने ए आर रहमान साहब को सुनाया जी, ये वही धुन है. फिर उस धुन पे हमारे दरवेश, हमारे फकीराना अंदाज वाले एक बहुत ही दरवेश इंसान गुलजार साहब ने उसे पूरा आम हिंदुस्तानी भाषा में उसे लिखा. और वो उसका रंग जो उसका ओरिजिनल जो है थैया थैया, जहाँ से जो धुन मैंने रहमान को सुनाई थी, रहमान साहब को, वही धुन जो है आपके सामने वो थैया थैया थी. उसको बाद में वो छैया छैया में. तो ये धुन आपने सुनाई थी? हाँ जी. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. टीम वर्क किसको कहते हैं. दैट्स अमेजिंग. अगर मेरे जहन में कुछ आया हाँ. तो वो प्रूफ करने के लिए नहीं मैंने सुनाई कि मैं क्या चीज़ हूँ. नहीं नहीं, बट दैट्स कॉम्बिनेशन है. एक तरफ हम टीम वर्क कहते हैं और दूसरी तरफ हम अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं. करेक्ट. ये तो नहीं हो सकता ना. बिल्कुल. आज अगर हुप्पा हैया गाया है तो उसमें कितने लोगों का एफर्ट है, कितने लोगों का. म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एटलीस्ट जो गाना लिखने वाले पोएट हैं, एटलीस्ट वी शुड मेंशन देयर नेम. करते भी लोग, मैं तो करता हूँ. बट इट्स अमेजिंग. भैया हो जाए. ईदाई मेरा यार नहीं आया, हो रब्बा खैर होवे ओदे दम दी. हो तेरे इश्क ने चाया कर थैया. ये इसी तरीके से सुनाया था रहमान साहब को. तेरे इश्क ने चाया कर थैया, तेरे इश्क ने चाया कर थैया, कर थैया 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 थैया, कर थैया 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 थैया, कर थैया थैया थैया. इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता. आजा सजना नहीं ते मैं मर गईया. कर थैया थैया थैया, कर थैया थैया थैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया. वो यार के जो खुशबू की तरह, जिसकी सुबह उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, याद मेरा सैया सैया थैया 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 थैया. तो ये दिस इज द कंपोजिशन विच आई शेयर विद मिस्टर रहमान. वो कंपोजिशन का उनके ऊपर इतना असर था कि उसी धुन पे ही फिर वो गुलजार साहब ने उसे लिखवाया. एंड इट केम आउट वेरी वेल. बट व्हाट लाइंस, जिनके सर हो इश्क की छाव, पांव के नीचे जन्नत होगी. गुलजार साहब का वो वेरी मॉडेस्ट राइटिंग है उनकी. वो वर्तमान को लोगों की पसंद का बहुत ध्यान रखते हैं. शब्दों को वो एक चित्रकार की तरह पिरोते हैं जी. हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है. आज तक भी आप वो नहीं भूले कि मेरे पास गाड़ियां हैं, पैसा है, धन है, ऐशोआराम है, तुम्हारे पास क्या है माँ. तो हर किसी के पास कोई ना कोई एक खास बात होती है. कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, कोई डायलॉग राइटर होता है, गीत लिखने वाले. अभी
बख्शी साहब हैं, रमता जोगी लगा मैं कहने ही वाली थी दैट एक और ऐसे कलाकार जो है आनंद बख्शी साहब एंड सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं पी आया मैं भी आया जा प्रेम दा प्याला पी आया। लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स माय नेम इज सुखविंदर सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल ते जय हिंद। ਦਿਨ ਦੌਣ ਦਿਨ 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 ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਹੋਏ 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 मैं रमता जोगी जोगी रमता जोगी जोगी रमता जोगी 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 रे जोगी जोगी रमता मैं जोगी रे जोगी जोगी रमता मैं हूँ मैं प्रेम द प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया। एवरीबडी कम ऑन लेट्स डांस टुगेदर। मैं प्रेम द प्याला सारी मधुशाला भी आया पल में सदियां जी आया भी आया मैं भी आया जब प्रेम दबाला भी आया मैं धूम दान दिन दिन 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 दान दिन होए 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 होए। फिर ये जो रमता जोगी है ये एक्चुअली सुभाष गई साहब हमारे प्रिय बड़े इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं, टैलेंट, बहुत बड़ा इतिहास रचा है उन्होंने फिल्मों में, बहुत बड़ा, और अभी भी वो प्रोडक्शन में तो हैं ही एंड ही इज डायरेक्टर। ये उनका इजाद किया हुआ, उनकी इन्वेंशन है। मैं कहीं पे बैठा कुछ गा रहा था, नुन तुम दौड़ दिन दिन 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 दौड़ दिन रमता जोगी 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 रमता जोगी 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 जोगी। ये क्या कर रहा है, अंदर जाके कुछ काम कर ले। गाने ताल के, तब फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, तो मैं कह ये भी तो काम ही, अब ये मन में आ गया तो गा रहा हूँ, चल इसे एक काम करते हैं, चल इसे रिकॉर्ड करके देखते हैं, ऐसे ही गाना तुम दौड़ दिन दिन 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 दौड़ दिन दौड़ दिन दिन दौड़ दिन दिन दौड़ दिन। मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं जोगी जोगी जोगी। तो ये जब रिकॉर्ड किया तो फिर रहमान साहब को शिवाजी ने बोला कि अब ये लो मैं रमता जोगी पकड़ के लाया हूँ, अब आगे बात बढ़ा लो। तो आगे पूरी की पूरी कहानी लिख डाली बख्शी साहब ने। वही बख्शी साहब, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है। बख्शी साहब की राइटिंग में भी एक ख़ास बात थी कि बात कहने के बाद ये नहीं कहना पड़ता था कि मेरा कहने का मतलब ये है, बात कही, बात समझ में आ गई, द एंड। वैसे कई म्यूजिशियंस ने, आपके म्यूजिक कंपोजर्स ने आपकी आवाज़ के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किया है। एक गाना मुझे याद आता है, दिस वन इज कंबख्त इश्क, जहाँ आपकी स्टार्ट ही विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट स्टार्ट ऑफ योर्स जो एडलिब है वो इतना पावरफुल रहा दैट you can hear instruments around you even though there isn't. So
क्या लगता है इसके बारे में? What do you think about कंबख्त इश्क? ये कंबख्त इश्क जो है ये कंबख्ती है, एंड ऊपर से आपका और आशा जी का कॉम्बिनेशन, वाओ। आशा जी के बाद मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बात है। रामगोपाल वर्मा जी का फोन आया था कि हमने एक गाना करना है, तो संदीप चौथा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा पैपी सॉन्ग है, बहुत ही डांस एलिमेंट्स इसमें, तो क्यों ना इसको शुरुआत कुछ डिवाइन की जाए। आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, डांस एंड साउंड ऑफ साइलेंस, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, जो थैया थैया में भी था, जैसे आपने भी छैया छैया सुना जी। की देना, तो जब सुकून की बात कही तो उन्होंने कहा कि यही शब्द जो कंबख्त इश्क है, जो सारा जहां है, कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कंबख्त जन्नत दिखाता। वाह। कंबख्त इश्क है जो सारा जहां है, वो कंबख्त इश्क है जो कब आता है कब जाता है, हो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कंबख्त जन्नत दिखाता है। ये नजरों से दुनिया देखने वाली बात है। कहते हैं जब आप आंखों से दुनिया देखते हैं तो बहुत धुंधली दिखाई देती है जी, जब नजरों से देखते हैं तो बंद आंखों से भी सारा जहान दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, ब्लाइंड हैं, पर दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। कैसे उनके हाथ पियानो में, बीथोवन, स्टीवी वॉन्डर, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू, मैनी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो वो नज़रों का ही नज़ारा है, तो वो जो सुकून है ना कंबख्त, कंबख्त इश्क है जो सारा जहां है, वो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कंबख्त जन्नत दिखाता है। एक और मुझे गाना याद आता है, एंड दिस वन अगेन इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, और मुझे याद है कि मैं पहली बार आपको इस गाने के लिए मिली थी, दिस वाज फॉर द फिल्म कमीने, एंड गाना है ढैंटे डैन। दिस सॉन्ग, एंड क्योंकि अभी मॉनसून भी आ रहा है, मुझे लगता तभी कमीने फिल्म भी तभी आई थी, एंड इट वाज यू नो ऑल अबाउट द रेन्स। मैं रेडियो में काम करती थी तो मुझे पता है कि मैं कितना इसको प्ले करती थी। हे आजा आजा दिल्ली छोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े, और दिल दिल तारा मेरा दिल्ली का दे, अरे कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे का खेर, अरे चल चल सड़कों पे होगी डैंग डैंग। Ladies and gentlemen, boys and girls, I love you all. आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुड़लक निकाले आज गुड़लक को तोड़े, दिल दिल तारा मेरा दिल ही का तेल, थोड़ी थोड़ी पैसा पैसा पैसे ही का गे।
अरे तिल तिल तारा मीरा तिली ही का तेल, घोड़ी घोड़ी पैसा पैसा पैसे ही का खेल, चल चल अरे चल 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 सड़कों पे होगी ढैंग 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 डर 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 ढैंग 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 आ जाके मन में है ये जिंदगी की गली एक ही जांच है आगे हवा ही हवा है अगर सांस है तो ये रोमांस है एवरीबॉडी आ जाके मन में है ये जिंदगी की गली एक ही चांस है आगे हवा ही हवा है अगर सांस है तो ये रोमांस है कई खबरें है कई खबरें है कई खबरें है कई खबरें है जो भी सोए हैं कब्रों में उनको जगाना नहीं कामन कामन आजा आजा अरे तिल तिल तारा मीरा तिली ही का तेल घोड़ी घोड़ी पैसा पैसा पैसे ही का खेल चल चल अरे चल चल अरे चल मेरे भाई सारा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी दाएं भी नहीं बाएं भी ऊपर भी नहीं अरे नीचे भी है भाई भाई इधर देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी दाएं नहीं बाएं भी ऊपर भी नहीं अरे नीचे भी अरे तिल तिल तारा मीरा तिली ही का तेल खोड़ी खोड़ी पैसा पैसा पैसे ही का खेल चल चल सड़कों पे होगी अरे चल चल बॉलीवुड हंगामा में होगी डैंग डैंग हो गए आप खुश तालियां बजा ली अब सुनिए एक बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज़ गाना रिकॉर्ड हुआ ओए होए 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 ओए ओए होए 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 और मैं क्या ओए होए 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 मैंने कहा एक बार फिर करिए कहते अच्छा हो गया सर मैंने कहा कम से कम 20-25 बार तो गाने दीजिए तो मैं ज़्यादातर पूछता नहीं कि आपकी फिल्म का नाम क्या है उन्होंने एक और बताया शब्द आए गुलजार साहब ने लेकिन मैं कहीं गलती से विशाल भारद्वाज जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मैं पूछ बेटा बड़े प्यार और इखलाक के साथ कि सर मज़ा आ गया ये क्या नाम है फिल्म का तो ऐसा मेरी तरफ से कहते कमीने मैं क्या मतलब एक तो गाना गाओ अच्छे से और ऊपर से कमीने का खिताब तो फिर बोले कमीने मैं कह बाबू जी थोड़ा मेहर करो कोई चाय शाद बिस्कुट कोई पिलाओ गए कमीने मीने तो रेखा जी वहाँ बैठी थी रेखा भारत हाँ। मैं हंस रहे हैं कोई मिस्टीरियस बात कर, फिल्म का नाम कमीने है फिल्म का नाम कमीने है तो फिर बाद में कुत्ते में भी गए मैं कहने वाली थी हाँ। अच्छा वो उस वक्त नहीं पूछा नहीं बड़ा उनका बेटा बड़ा जहीन है आसमान उसमें भी ये गाना किया गया क्या था खोटे हैं खोटे तेरे ने कांच के टूटे तेरे ने दिन दहाड़ की ये डकैतियां लूट लेती है कारियां किया हाय हाय मार गए ने 1 2 3 4 बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको एक बार किसी चैनल पे मैं इंटरव्यू के लिए गया विशाल जी की फिल्म का गाना है बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी बड़ा अच्छा स्वागत वेलकम इस्तकबाल बड़ा गजब का ठीक है भाई मैंने कहा चलो ये इनका एक तरीका है आफ्टर ऑल चैनल है किसी आर्टिस्ट की अगर स्वागत अच्छे से करते हैं तो अच्छी बात है अब वो लाइव शुरू हो गया सुखविंदर जी तो हो जाए ओमकारा तो सुखी जी ओमकारा अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा अरे आंखें तेज ततैया दोनों जीभ सांप का फुंकारा
अरे आगे तेज तत्तैया दोनों जीव सांप का फुनकारा ओंकारा रे सबसे बड़े दड़ैया रे ओंकारा ओंकारा रे ओंकारा अरे आगे तेज तैया दोनों जीव सांप का फुनकारा ओंकारा हे ओंकारा हे ओंकारा रे But if you have to choose between Omkara and BD Jalaile, ये तो गुलजार साहब जो twist लिखते हैं ना, जैसे कमीने में गाना था, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला, मोर निकला, तो वो twist लिखते हैं, वो एक कहानी लिखते हैं, इनका अपना एक अंदाज है, बिल्कुल, जावेद साहब का एक अपना रंग है, लगान के गाने सुनिए, पर गुलजार साहब के गाने जब आप गाते हैं, समीर साहब का अपना अलग रंग है, आशिकी और इरशाद कामिल कुमार पतन फिर तो किने चुने हैं लेकिन है कमाल जी। ये मैं पूछ रही थी कि जब गुलजार साहब के आप गाने गाते हैं कि डू यू इंटरनली ऑल्सो एंजॉय इट, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है आपका, विशाल भारद्वाज जी का और गुलजार साहब का। दिस इज द न्यू एज इफ आई मे से सो, आर डी बर्मन किशोर कुमार गुलजार साहब, पर दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल तिगड़ी। तो अगेन बीडी जलेले में, क्योंकि हर शब्द पे आप जो इमोशंस भरते हैं, जहाँ जहाँ आपको मतलब, क्योंकि द सीन इज अबाउट यू नो मेन डांसिंग अराउंड बिपाशा बासु, तो आपको भी बनना है एक तरीके से। आई डोंट नो क्या आप स्टूडियो में खुद नाच रहे थे जब बीडी जलेले हो रहा था? एब्सोल्युटली नाच रहे थे, मतलब गुलजार साहब का गाना गाने का मुझे दो फायदे हैं। एक तो मुझे आई ब्लेस्ड विद अ न्यू काइंड ऑफ वर्ड्स, आज जरी वाले नीले आसमाने के तरह, ये बात पहले मैंने नहीं सुनी, इसे खूबसूरत भी सुनी होगी पर ये अंदाज नया था, आसमान को जरी वाले नीले आसमाने के तरह। तो दूसरा तो मैंने आपको फायदा बताया नहीं, क्या है दूसरा फायदा? उनके यहाँ जो इडलियाँ और डोसे, ओ हो इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश होती है जब मैं गुलजार साहब को बोलता हूँ कि सर गाना हो गया है मैं आऊँ क्या, तो वो समझ जाते हैं ये आऊँ नहीं है, इज्जत अफजाई करने के लिए तो आएगा ही, ये मेन इसके मुंह से लार टपक रही इडली सांभर और डोसे की। सुनते हैं बीड़ी जलेले। होना तो चक्कुआ की धार, होना दराती ना कटार, हो ऐसा काटे के दांत का निशान छोड़ दे, हो ये कटाई तो कोई भी किसान छोड़ दे, जैसे जालिम का छोड़ दे मकान छोड़ दे, तुम नम दन नम दन 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 हो ना लिखाफ ना गिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ, ससुरी इतनी सर्दी है किसी का दिखाफ लही ले, रे जाजा पड़ोसी के चूने से आग लही ले, रे जाजा पड़ोसी के चूने से आग लही ले, अंगीठी जलाई ले जिगर से पिया, अरे बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर वहाँ बड़ी आग, धुआं ना निकाली और लब से पिया, धुआं ना निकाली और लब से पिया, ये दुनिया बड़ी घग घग आग आग है, अरे बीड़ी जलाई ले, अरे बीड़ी जलाई ले जिगर से बिगारे जिगर मा आग, ओ आग आग आग, और तारीफ भी तो बजाते यार। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो। Not because anybody is telling me, लेकिन एक गाना याद आता है मुझे, जय हो। हाँ, हाँ,
दुनिया को, दुनिया को। पर ये बताए सुखी पाजी, जब आप ये गाना गा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, डिड यू फील इट कि यस दिस इज गोइंग टू यू नो ये बॉर्डर पार जाने वाला है, दिस इज गोइंग टू रीच द वर्ल्ड, क्या ये लगा था आपको? ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, ये हमें बाउंड कर देती है। तो जैसे मैं बंठन चली गा रहा था, जैसे चाहे मैं अभी जंगल में कांड हो गया या हुप्पा हैया गा है, सेम शिद्दत, क्योंकि आप अच्छे से हम मेरे को गाना है और ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं बेस्ट हूँ, ये तो आपकी जिंदगी को ही बर्बाद कर देगी, आवाज का रसूख ही खराब कर देगी। चलिए ठीक है, ये ना सोचा हो, पर क्या आपने ये सोचा था कि अगर आप ऑस्कर्स जाते तो क्या कहने वाले थे आप? रहमान साहब को मैंने बोला, मैंने कहा क्या करना है तेरे हिसाब से, कहते देख ले प्यार से। गुलजार साहब ने बोला मेरे को कि कहाँ हैं सारे लोग, मैं कह आपके शब्द हैं यहाँ पे कानों में गूंज रहे हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तो अभी इसकी कोशिश नहीं है मेरे जहन में, इसकी कशिश है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन शब्दों को गाऊँ, अगर आप इजाजत दें। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, ऐसे शुरुआत है। आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। Everybody come on let's celebrate, जय हो। अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। ओ आजा 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 जिंदे जामी आने के तले, जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो शबे दिल, जय हो। अब ये जो कोशिश कशिश बन के सामने आई, तो रहमान साहब का फोन आया, हेलो हॉलीवुड सिंगर। हॉलीवुड सिंगर से मतलब मैंने इनसाइड मैन फिल्म, डेंजिल वॉशिंगटन स्टार कास्ट, सर स्पाइक ली द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज ब्रिलियंट डायरेक्टर, वेरी सक्सेसफुल फिल्म इनसाइड मैन। तो उसमें भी गाना गाया था, छैया छैया री रिकॉर्ड हुआ था लॉस एंजलिस में। तो उसके पहले मैंने वाटर फिल्म के गाने लिखे जी। पहले लिखे दीपा मेहता की, सारे गाने इज रिटन बाय मी, आई डोंट प्रमोट माई सेल्फ एज राइटर। व्हेन आई हैव जावेद साहब, समीर जी, इरशाद कामिल, कुमार बख्शी साहब थे, गुलजार साहब हैं, तो बट स्टिल आई राइट सम टाइम एनीवे। तो वाटर फिल्म के, तो उसने एहतियातन कहा हाय हॉलीवुड सिंगर, तो मैंने कहा ये नया नाम। तो बाकी उनका व्यक्तिगत डिसीजन था ऑस्कर के लिए, तो वो मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये देखिए आप कि जिस वक्त के वो 2000 स्टार्ट जब हुआ था, 99 की बात है, 1999 की बात है, उस वक्त वो थैया थैया गाने का जो म्यूजिक जिस आदमी ने डिजाइन किया, आई थिंक इट वाज ओनली एआर रहमान। मैं नहीं कहता किसी के बस की बात नहीं थी, बट वो नया आयाम अगर किसी ने दिया तो रहमान साहब ने दिया। एंड ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दिल से एक्चुअली, हां जी ऑल द सारे जिया जी से सारे सब, हाँ, सारे सब के सब, सारे गाने ऐसे छैया छैया वाज वेरी डिफरेंट। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो
एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ कि रिवॉर्ड इज ऑलवेज बिगर देन अवार्ड. रिवॉर्ड कैन नेवर बी डिसाइडेड बाय द ज्यूरी. राइट. अवार्ड कैन बी डिसाइडेड बाय अ ज्यूरी, 5 people to 6. बट रिवॉर्ड इज डिसाइडेड बाय द आवाम. तो रहमान का वो कद बड़ा होता है उस बात से दैट ही लॉन्च्ड मी. उनके सामने उनके व्यक्तिगत जो डिसीजन है ऑस्कर पे, जो सारी दुनिया को मालूम है. हालांकि अमेरिका में ये भी कहते हैं कि यू वर सिंगिंग द सॉन्ग ऑन अ स्टेज, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा. मैं कभी सॉन्ग दे जय हो तो इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. मैं अपने गाना गा रहा था. सलीम सुलेमान जी की अगर हम बात करें तो देयर आर सम अमेजिंग ट्रैक्स जो आपने गाए हैं और हर एक जॉनर में होगा. क्या सुनाना चाहेंगे आप? आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाया, ये जला दे है दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. ये था रिमिक्स. अब इसको जैसे पहले ओरिजिनल था. ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. आग सी रवानियां लेती है अंगड़ा, ये जला दे है दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. मैं इस गाने को वर्ल्ड का, चाहे उसमें हॉलीवुड भी हो कोई भी भाषा, द बेस्ट सॉन्ग कंसीडर करता हूँ. वाओ. अच्छा, कई कंपोजर्स में एक और कंपोजर जोड़ी है, विशाल शेखर. ये भी बहुत बहुत बढ़िया गाने दे चुके हैं एंड यू वर्क्ड वेरी क्लोजली विद देम. विशाल शेखर जो हैं, उनका एक गाना मुझे इतना पसंद है. कोई भी कभी को पूछता कि सुखविंदर जी अगर आपने वो गाना गाया होता तो मैंने कहा जिसने गाया उसने बेहतर नहीं गाया. मुझे उनका वो गाना बड़ा पसंद आता है जो के ने गाया था. मैं के का अपना एक स्टाइल था जी. मैं कभी उस लड़के से मिल नहीं सका. क्या अनहोनी घटना हुई है भगवान जाने. इट वॉज रियली सैड फॉर एवरी वन. यस. तो मैं तो एक बार किसी इंटरव्यू में बोला भी था, कहते मैं कहा मुझे वो बहुत पसंद है, वो सुर्खियों में रहता ही नहीं था. कौन से गाने की बात कर रहे हैं आप? उसमें मैंने भी गाया था, वो अलग गाना गाया. आंखों में तेरी गजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी गजब सी अदाएं हैं. दारा दारा ता ता तारा ने दारा दे दे रहे. तो ये ओम शांति ओम के लिए किसी पार्टी में हम लोग पहुंचे तो मैं वहां से निकल रहा था तो उनकी एंट्री हो रही थी. तो मैं कहा यार काफ़ी लंबा गैप आया तो लेट्स डू अ सॉन्ग. तो कहते 10 मिनट रुकिए. पार्टी में शाहरुख साहब भी थे. मुझे बहुत प्यारा लगता वो बंदा. सब के साथ आई हैव ग्रेट लव. सब मेरे लिए प्रिय है. तो मैंने भी गले से लगाया. मतलब हम लोग को उतने पता नहीं क्या हुआ. कहते कैसा मूड है? मैं क्या कहते चलो अभी अभी तो दर्द डिस्को. मैंने रिकॉर्डिस्ट को बोला 2 माइक लगाना. वो पहला दिन था जब मैंने जूते उतार के माइक के सामने गाना शुरू किया. और रीज़न उसका ये था कि मैं थोड़ा नाचने के मूड में था और फुटस्टेप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. और ये गाना मैंने वैसे ही गाया 2 माइक. कभी मेरी मुंडी इधर हिल रही, कभी इधर हिल रही है, पर वैसे ही रिकॉर्ड हो गया. पहला ऐसा अपने आप में वाहिद एक ऐसा गाना है दर्द डिस्को
जो प्योर राग पे आधारित है और पूरी तरह से क्लब सॉन्ग है। लम्हा लम्हा अरमानों की फरमाइश थी, लम्हा लम्हा जुर्रत की आजमाइश थी। अब रे करम गिर गिर के मुझ पे बरसा था, अब रे करम बरसा तो कब मैं तरसा था। धनी रे सारे निजा निधा मांगा रे मांगा मांगा रे गे सा सारे निजा निधा मदा निजा निधा मांगा मांगा रे सा। दानी रे सारे निजानी दा मदनी जानी दा मांगा मारे रे सा। I suddenly remembered एक और सॉन्ग आपका। कैसे मैंने रैन बिताई एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुहे नींद ना आई। एक पल जैसे एक युग बीते मुहे नींद ना आई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ये क्वालिटी है। लम्हा लम्हा अरमानों की फरमाइश थी, लम्हा लम्हा जुर्रत की आजमाइश थी। उसे इंक्रीज करने के लिए बोला था तुमने, इसको कर दिया। अबरे करम बरसा तुम, अबरे करम गिर गिर के मुझ पे बरसा था, अबरे करम बरसा तो कब मैं तरसा था। फिर सोना हुआ मंजर मेरा, वो मेरा सनम दिल भर मेरा, दिल तोड़ गया मुझे छोड़ गया पिछले महीने की 26 को। हो जा रे जा हो हर जाई, देखी देरी दिलदारी, दिल दे कर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन भेजारी। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला दिल डूबा। ये भी भैरवी भैरों। दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अब बिफोर वी एंड, ऑफ कोर्स नाउ शंकर एहसान लॉय एंड यू नो देयर मैजिक। आप बताइए, आप बताइए। ये तो आप पर डिपेंड है। गल्ला गुड़िया, देयर इज गुलमिल लौंडाओ हो, क्या क्या गाने हैं, क्या क्या नहीं है। व्हेन द सॉन्ग बिगेन इन द रिकॉर्डिंग, व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑन माइक आफ्टर लर्निंग द सॉन्ग, देन आई हैव कम टू नो कि इसको जो ऊपर का नोट है उसका क्या है। धक 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 धड़के दिल झंझन बोले अमृतसरी चूड़ियां, जो हुक लाइन है ना। धक 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 धड़के ये दिल झंझन बोले अमृतसरी चूड़ियां, है ना। उसको मेंटेन करने के लिए गाने को गर्भ में कंपोज किया गया है, लो ऑक्टेव में, वेरी लो ऑक्टेव गर्भ, और एनालाइज किया गया कि यहां पे ये कर नहीं पाएगा तो कैसे करे। वही कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझसे चक दे ही भी सुना है, फैशन का जलवा भी सुना, तो हौले हौले से हवा लगती भी सुना है, आपने मेरे से वो भी सुना हुआ
चल चल हाय हाय मेरे संग संग मेरी जाने गजल जाने गजल जाने गजल। ये गाना पहले मैंने लिखा था, मैंने लिखे गाने काफ़ी हैं, कई कंपोज किए हुए गाने भी मैंने, बहुत कम कंपोज करता हूँ। व्हेन वी हैव अ सो मच ह्यूज टैलेंट ऑफ कंपोजर, पर जब आप करते हैं तो क्या कमाल के निकलते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा गाना जो अस्तित्व का जी। एक तमन्ना दिल में है देखूं मैं तुझे जी भर के, सपनों में तेरे खो जाऊं अखियां मैं बंद करके, चल चल मेरे संग संग मेरी जाने गजल जाने गजल जाने गजल। तो ये इस गाने को मैंने याद किया, तो वो जो गर्भ में इसकी पहले लाइन याद है, मंद्र सप्तक कहते उसे, नाभि से तो वो मुझे याद आ गया। मैं डालू ताल पे भंगड़ा और तू भी गिद्दा वाले। अब देखिए, चल ऐसा रंग जमा दे हमके, गर्भ में जाया जा रहा है, बने सभी मत वाले। मैं डालू ताल पे भंगड़ा और तू भी गिद्दा वाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके, बने सभी मत वाले। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती जाई। हेलो 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 तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई, धक 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 धड़के ये दिल चंचन बोले, अमृत से भी चूड़िया बहुत बड़ी है मस्तानी, यो दिल भर जानी कर ले गल्ला गुड़िया। धक 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 धड़के ये दिल चंचन बोले, अमृत से भी चूड़िया रात बड़ी है मस्तानी, ओ दिल भर जानी कर ले गल्ला गुड़िया। छना छनक तेरा पहन दूंगा नक मैं तो, छना छनक तेरा पहन दूंगा नक, छना छनक तेरा, छना छनक तेरा पहन दूंगा नक मैं तो, छना छनक तेरा पहन दूंगा नक। मैं कबूतर फसिया ते होर कोई, हाँ मैं कबूतर फसिया ते होर कोई फसे बिना, मैं कबूतर फस जाते होर कोई फसे बिना। धक 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 ये दिल चंचल बोले, हमरे से भी चूड़िया रात बड़ी है मस्तानी, ओ दिल भर जानी दिल भर जानी दिल भर जानी कर ले गल्ला गुड़िया। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उर्मिन के बारे में मैंने अभी रिसेंटली एक बात नोटिस की है, शी हैज ट्रमेंडस नॉलेज ऑफ म्यूजिक। इन्होंने कई शब्द ऐसे भी इस्तेमाल किए हैं, ऑक्टिव राग भैरवी की बात आई तो इनकी आंखों में एक नमी आई, क्योंकि राग भैरवी जो है ये डिवाइन है, इसमें प्रार्थना होती है। बिल्कुल, अभी तो ये महबूबा महबूबा खासतौर पर ये दर्दे डिस्को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक और गाना शायद इसी राग में है, पिया मिलेंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है हिंदुस्तानी, उसमें 100% गाने उस पे हैं। बट इज दिस सॉन्ग आल्सो एम आई कौन सा, अगर मुझे नहीं भी याद हो रहा तो भी, इसको ढूंढे बाग बाग वो रहता है खुद, सब इस राग का असर तो हर जगह पे बहुत बहुत। तो आपको टेक्निकली आपने ऑक्टिव वर्ड भी यूज किया, जब मैंने गर्भ की बात की तो लो ऑक्टिव कहा, और आप संगीत के उस पक्ष में हैं जो बहुत मेलेडीज है, दिस आई हैव नोटिस्ड। लो जी, भैनों ते भरावो, चाचे मामे ताए भतीजे पांजियां पांजे दोस्तों, मैनू ये तुसी मैनू लाइक्स ना भेजना, मैनू ही लाइक कर लो, गल ही खत्म। हाँ ते बल्ले बल्ले ते भुचाल पैरा थले, परमात्मा बाबा नानक आपको हमेशा चढ़दी कला च रखे, खुश रहे,
आप आबाद रहें, तंदुरुस्त रखें। मुझे लगता है कि मैं आपको इतनी बार इंटरव्यू कर चुकी हूँ और कई बार ग्लिचेस यहाँ वहाँ होने के बावजूद भी ये जो माहौल सेट किया है, ऑल्सो थैंक यू अमर जी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली कलर आज लेकर आए हैं इंटरव्यू में। मैं बॉलीवुड हंगामा इज अ रिनाउंड प्लेटफॉर्म, तो ये एक प्रमोशनल मैं बात नहीं कह रहा कि आप सबको भी मालूम, ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस प्लेटफॉर्म बॉलीवुड हंगामा। और ये मीडिया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारी बात आवाम तक पहुंचाते हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बॉलीवुड हंगामा देखिए आप बहुत वेरिएशन आपको मिलेगी, म्यूजिक इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, फिल्में, बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू ऑल कैमरामैन, रिकॉर्डिस्ट अमर, उर्मिन, थैंक यू सुखविंदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस, लव यू। दोस्तों मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे।